हे भगवान, आपके चरणों में मैं त्रिवार नमस्तु करता हूँ। हे भगवान, मेरी उम्र 72 इयर्स है, निर्मल कुमार जैन। 38 साल मेरी मिलिट्री की सर्विस रही, कभी रात्रि भोजन नहीं किया। और मैंने ये नवोकार मंत्र का ये अनुभव देखा है महाराज श्री, अगर किसी के पैरों में मैंने देख लिया कोई चीटा या कोई मर गया है, उसे उठा करके मैंने नवोकार मंत्र पढ़ा है तो वो चलने लगा है। 38 साल की सेवा में मैंने कभी रात्रि भोजन नहीं किया महाराज श्री। सर, आप तो मुझे फ्री मिलती है सब चीज़। बहुत सुंदर, सवाल कीजिए। प्रश्न ये है महाराज श्री, मैं ऑल इंडिया एंटी डोरी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्रालय की संस्था है। महाराज श्री, आपको विदित है कि आजकल कोर्टें भरी पड़ी हुई हैं दोनों परिवारों में। जरा सी अनबन हो जाती है, दोनों परिवार विघटन हो जाते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मैंने प्रयास किया है पिछले 10-15 साल से महाराज श्री कि दोनों परिवारों को मिलन कैसे कराऊं, और मैंने करीब सैकड़ों परिवारों को मिलन करा दिया है। आज परिवार खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन महाराज श्री, दोनों कवि की परिवारों का मिलन में गड़बड़ हो जाती है। मुझे कोर्ट से भी रेफर मिलता है, मैं 3 साल वहाँ भी रहा हूँ समाधान कराने के लिए कोर्ट में। तो ये महाराज श्री, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों परिवार को मिलन करने के बाद कभी फिर विघटन हो जाता है, तो क्या मुझे ये दोष लगेगा? ओ देखिए, सबसे पहली बात, दहेज का जो मामला है ये हमारी समाज का एक कोड है। हमारे शरीर के जिस अंग में कोड हो जाता है वो स्थान संवेदन शून्य हो जाता है। इस सामाजिक कोड ने पूरी समाज को संवेदना शून्य बना दिया। जैन समाज की बात जहाँ तक करूं, तो अब तो मुझे कुछ उल्टा परिदृश्य दिखने लगा है। अब समाज में दहेज के मामले, यथार्थ मामले कम दिखते हैं, लेकिन थोड़ी सी अनबन होने पर दहेज के नाम पर फंसाने वाले मामले बहुत दिखते हैं। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बदला है, आज लड़की वालों की तुलना में लड़के वाले ज़्यादा चिंतित होते हैं, उनको संबंध खोजना मुश्किल होता है। और ऐसे मेरे संपर्क में रहने वाले अनेक लोग हैं जिन्होंने एक पैसे का दहेज नहीं लिया, लेकिन उन्हें अपने बेटे के संबंध के बाद जेल की हवा खानी पड़ी। कई कई प्रकार के केसेस जिसका कोई सिर पैर भी नहीं। और एक परिवार की बात मैं क्या कहूँ, उनकी 3 बेटियाँ, तीनों की शादी हुई और तीनों ने अपने अपने विवाह के बाद परिवार वालों के लिए दहेज का केस लगवाया, मोटी रकम ऐंठ कर तलाक ली। अब ये धंधा बन गया। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। दहेज जैसी कुप्रथा तो हमारी समाज पर कलंक है। लड़का हो या लड़की, दोनों को इनसे बचना चाहिए। लड़कों से मैं कहूँगा कि तुम युवा हो, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और किसी के टुकड़ों पर आगे बढ़ने का भाव कभी नहीं होना चाहिए। और लड़कियों से भी मैं कहूँगा कि जब कभी तुम्हारा विवाह हो, विवाह का प्रस्ताव हो और सामने वाले की ओर से मांग आए, तो कहो हम किसी साधर्मी के घर विवाह होकर, साधर्मी की बहू बनना चाहेंगे, भिखारी की नहीं। जो मांगने वाला वो भिखारी है। भिखारी के घर जाओगे तो क्या होगा? अस्वीकार करो, उनको भी होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसकी गहराई में जाता हूं तो कई तरह की विसंगतियां दिखाई पड़ती है।
पहले तो एक तरफा दबाव होता था लड़के वालों की तरफ से, अब लड़के वालों की तरफ से दबाव कम है। लड़कियां चाहती है कि मेरे पापा मम्मी मेरे विवाह में इतना लगाए, ये भी मैंने देखा है। उनकी खुद की इच्छा होने लगी। पहले तो अनेक संतान होती थी तो वो भी समझते थे कि 1, 2, 3, 4 कई नंबर हैं। अब तो कहते हम तो अकेले हैं, और माँ बाप भी चाहते हैं हमारी एक ही बेटी, हम अच्छे से अच्छा करें। तो वो लगाए, आपकी बात है, लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दबाव, खींचातानी, मांग पूर्वक ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पर अब एक और रूप देखा, अब विवाह बहुत खर्चीले हो गए, पहले की तुलना में ज़्यादा। पहले विवाह में जो कुछ भी होता था वो खर्चा सब बेटे और बहू, दामाद और बहू, बेटी के लिए होता था। वस्त्राभूषणों में खर्च होता था। अब आधा से ज़्यादा खर्चा वेन्यू और कैटरिंग में होता है। ये अनावश्यक खर्च है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये जो उभय पक्षों के लिए एक दबाव देता है, जो आदमी जिस स्टेटस का है उसको उस अनुपात से खर्चा करना पड़ता है। मैं इसके लिए युवाओं से कहूंगा, अपने अपने परिवार के और समाज के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हो, आगे आओ और चक्रवर्ती विवाह के लिए संकल्पित हो जाओ कि हम इस तरह का विवाह करेंगे नहीं। ठाट का विवाह, एक फायदा भी होगा। अगर चक्रवर्ती विवाह करोगे ना तो इतने पवित्र भाव से करोगे तो कभी खटपट होगी नहीं, और देव योग से कोई ऐसी खटपट वाली आ भी गई ना तो तुम्हारे पास प्रूफ होगा हमने बिना दहेज के शादी किया है, कोई केस नहीं बनेगा, हवालात में नहीं जाना पड़े। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं, परिवर्तन जरूरी है। इस तरह की विकृतियों को खत्म करने के लिए, और ये जो आजकल थोड़ी सी किसी वजह से अनबन हो और उसमें इस तरह का आरोप लगाना, क्योंकि सब एडवोकेट के पास जाते हैं और वकीलों का तो काम ही है लड़ाना, तुम लड़ोगे तभी तो उनका धंधा चलेगा। वकील लोग बुरा मत मानना पर तुम्हारा धंधा ही ऐसा है। चाहिए कि नहीं उनको सेटल करें। कई तरह की धाराएं जोड़ दी जाती है और सामने वाला बेहाल हो जाता है, स्थिति बहुत भयानक हो जाती है, उससे बचना चाहिए। तो मैं तो इसके लिए पूरा दारोमदार युवकों और युवतियों पर डालना चाहता हूँ, वो आगे आए, हिम्मत से काम ले, दृढ़ता से उसका सामना करे, तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होगी। अब आपका जो सवाल था कि कुछ ऐसे होते जो संबंध बनने के बाद वापस टूट जाते, उसमें मुझे दोष लगता है क्या? अगर आप तोड़ने में निमित्त बने हैं तो दोष लगेगा, आपने तो जोड़ने का प्रयत्न किया, इसलिए कभी ऐसी स्थिति नहीं। एक बात मैं सबसे ये और कहूँगा, एक सामाजिक कायदा बनना चाहिए कि किसी भी घर में किसी लड़की को अगर प्रताड़ित किया जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का जो भी केस बनता है वो अपनी जगह है, सामाजिक स्तर पर ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि बिना आधार के दहेज जैसी जैसे प्रकरण दर्ज करता है तो ऐसे लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये निराधार बात के आधार पर कर रहा है। अगर ऐसा थोड़ा सामाजिक दबाव बन गया तभी लोग इन सब बातों से बच सकेंगे, नहीं तो मैं तो जो भुगत भोगी हैं वो ही जानते हैं, कई कई लोग हैं
जो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए महाराज श्री, बिल्कुल। माने दहेज प्रताड़ना के सही केस अगर 10 होंगे तो फर्जी केस 50, ठीक है ना, 5 गुना मान लो, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें ठीक नहीं है, ये घोर हिंसा है, अनैतिकता है, पाप है, अधर्म है। ऐसा कार्य करने वाला न जाने कितने जन्मों तक दुख भोगेगा, कैसा अभागा है वो, काश उसे समझ में आता तो इस तरह की बातों से वो बच पाता। नमोस्तु महाराज।